हेलो फ्रेंड्स, तो आज के स्टूडियो में आपको बताऊंगी कैसे आप पैसे कमा सकते हैं जस्ट बाय सेलिंग स्टॉक इमेजेस, स्टॉक इमेजेस सेल करके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा मजेदार वीडियोस देखने के लिए। तो उसके बाद हम चले जाते हैं चैट जीपीटी पर। यहाँ पर लिख लेते हैं विच इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म to sell images। तो ये देखिए, हमने ये लिख दिया चार्ज पे, ये हमें लिख कर बता देते हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगा इस तरह, तो मैं फिर से इसे कॉपी करके यहाँ पर लिख देती हूँ। लिख देती हूँ राइट द नेम्स ऑफ बेस्ट प्लेटफॉर्म टू सेल इमेजेस फॉर सेलिंग इमेजेस स्टॉक इमेजेस। तो ये देखिए, उसके बाद ये इन्होंने नाम दे दिए हैं। तो मुझे प्रॉफिटेबल चाहिए, प्रॉफिटेबल हो जो, तो मैं इसके बाद लिख देती हूँ विच इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म फॉर सेलिंग इमेजेस स्टॉक इमेजेस ऑनलाइन। जस्ट आप ये लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको आ जाएंगे बहुत सारे ऑप्शंस। तो देखिए, यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन है शटर स्टॉक, तो मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पर चले जाऊँगी, पेस्ट कर दूँगी। तो ये इनका प्लेटफॉर्म है जहाँ ये बायर्स बाय करने आते हैं आपकी इमेजेस। ये बायर्स के लिए और सेलर के लिए अलग प्लेटफॉर्म है, मैं वो भी आपको बताती हूँ। ये देखें, ये बायर के लिए है, तो ये इमेजेस कर सकते हैं, वो डाउनलोड कर सकते हैं पैसे से। तो सेलर के लिए आपको चले जाना है गूगल पर, यहाँ पर लिखना है सेल पिक्स, फ्री पिक्स ऑन सेल पिक्स ऑन शटर स्टॉक। तो ये देखें, यहाँ पर क्लिक कर देना है, गेट स्टार्टेड पर कर लेना है, या आपको साइन अप कर देना है। ये देखें, आपको साइन अप या गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है अकाउंट बनाने के लिए। क्रिएट सबमिट गेट पेड, बस इतना सिंपल सा स्टेप्स है ये। तो आपको नीड सेलेक्ट कर लेनी है, आपको किस चीज़ पर इमेजेस बनानी पड़ेंगी और किस चीज़ पर इमेजेस बनाकर आपको सेल करनी है। तो हम लिख देते हैं व्हाट आर द बेस्ट नीश फॉर सेलिंग स्टॉक इमेजेस। ये देखें, यहाँ पर मैंने ये लिख लिया है, उसके बाद यहाँ पर ये सारा प्रॉम्प्ट लिख देते हैं। ओके, बट मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगा, मुझे इतना सही नहीं लगा, तो मैं यहाँ पर फिर से लिख देती हूँ राइट निश आइडियाज फॉर सेलिंग फॉर क्रिएटिंग स्टॉक इमेजेस। तो इन्होंने ये लिखा है, तो हम इसमें देखते हैं अगर कोई सही होते, वरना हम फिर से लिख देते हैं, फिर से लिखवाएंगे इनसे। तो इनमें से तो एक भी अच्छा नहीं लगा मुझे, तो मैं फिर से लिख देती हूँ, यहाँ पर लिख दूँगी यहाँ पर Gave me profitable niche ideas। तो ये देखें, ये कुछ अच्छे लग रहे हैं मुझे, इनमें से कौन सा आउटडोर एडवेंचर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसे मैंने कॉपी कर देना है, इसे मैंने कॉपी करके कर देना है, कॉपी कर देना है, मुझे ये बहुत अच्छा। स्टेप नंबर 3 पर हम प्रॉम्प्ट लिख लेते हैं, चैट जीपीटी पर चले जाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं राइट prompts to generate images, to generate outdoor adventure images। तो ये लिख लेती हूँ, ये देखें प्रॉम्प्ट अभी चार्ज भी लिख रहे हैं। ये देखें, ये बहुत ही बड़ा लिख दिया, तो मुझे छोटा और अट्रैक्टिव चाहिए, तो मैं इसे बता दूँगी ये जनरेट हो जाए। उसके बाद मैं इन्हें बोलती हूँ, मैं इन्हें बोल दूँगी ये सही नहीं है, तो मैंने बोल दूँगी राइट इट इन मोर अट्रैक्टिव एंड सिंपल वे। मैंने ये लिख दिया, मैंने इसे एंटर कर देना है। ये देखें, ये कितना अच्छा लग रहा है। तो इससे मैंने ये सारे जो भी हैं, ये अभी छोटे भी इन्होंने लिखे हैं, ये मैंने कॉपी कर देने हैं और यहाँ पर प्रोफाइल अपने नोट पैड में आकर पेस्ट कर। स्टेप नंबर 4 पर हम चले जाते हैं Leonardo.ai पर, यहाँ पर आ जाते हैं और करते हैं स्टार्ट यूजिंग Leonardo, यहाँ पर क्लिक करते हैं, यस आई एम वाइट लिस्टेड पर क्लिक करते हैं,
उसके बाद ये इंटरफेस आ जाता है, ये देखें। उसके बाद हम एयर इमेज जनरेशन पर क्लिक करते हैं, हम अपने नोट पैड में जाते हैं, यहाँ पर कॉपी करके से पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर कुछ सेटिंग्स कर लेंगे इसके, लाइक ये सही है, ये आई थिंक सही है। तो मैंने जनरेट कर दिए इमेजेस। इमेज जैसे ही जनरेट करने के लिए क्लिक किए, ये देखें तो ये आ गया। इसे मैंने सेव कर देना है। सेव करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर डाउनलोड्स पर, यहाँ पर न्यू फोल्डर पर आती हूँ, आउटडोर एडवेंचर पिक्स। तो ये पहले भी बना हुआ है, मैं फिर से ट्राई करती हूँ। आई थिंक आउटडोर एडवेंचर मैंने इंटर कर देना है, पहले भी बना हुआ है। तो मैं पिक्स की जगह इमेजेस लिख देती हूँ, इमेज। यहाँ पर मैंने ये सेव कर देने हैं। उसके बाद मैं सेकंड प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेती हूँ, इसे कॉपी कर लेना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये देखें, ये इमेज जनरेट हो रही है। ये कुछ टाइम लेते हैं इमेज जनरेट करने में, ये हो गई है। तो मैं इसे सेव कर देते हैं, तो सेव कर देना है इसे। उसके बाद ये थर्ड वाला प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे और ये जो फालतू है इन्हें हटा देंगे, ताकि हमें पता चले कौन कौन से रहते हैं। तो हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो जनरेट पर क्लिक कर देंगे। सब इसे सेव कर देंगे। ये देखें कितने खूबसूरत पिक है, बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही है। बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा कि हम किसी एआई से जनरेट करवा रहे हैं ये पिक्स, ये देखें। तो ये थोड़ा ख़राब है, जो पिक्स मुझे अच्छी नहीं लगती तो उसे मैं रीजनरेट करती हूँ। ये देखें, मैंने इसे रीजनरेट कर लिया और ये देखें कितनी अच्छी लग रही है। तो इसे मैंने सेव कर देना है। उसके बाद इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है और यहाँ पर लाइक कुछ फास्ट फॉरवर्ड कर दिया मैंने प्रोसेस, बिकॉज ये बहुत टाइम ले रहा था, तो इसलिए मैंने इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। ये देखें, इसे कॉपी कर दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी, सेव कर दूँगी और जनरेट पर क्लिक करूँगी। इसे भी सेव कर देना है और इसे भी कॉपी करके जनरेट पर क्लिक कर देना है। ये देखें, तो इसे मैंने सेव कर देना है। उसके बाद कॉपी पेस्ट और जनरेट पर क्लिक कर देना है। तो मैंने इसे सेव कर देना है, ओके। और ये लास्ट वन है, इसे भी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है और सेव कर देना है। उसके बाद आपको ये प्लेटफॉर्म पर जाकर वहाँ पर सबमिट कर देनी है। उसके बाद जो भी आपकी इमेज डाउनलोड करेगा आपको पैसे मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए।